हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी टाइम से मेरे पास क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं इसी चीज को लेकर। दोस्तों, कि अगर आप जैसे कि मैट्रिक किए हुए हो, या तो फिर आप वहां पे अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो, अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हो, या अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, तो इसके लिए मेरे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं कि सर कोई ऐसा इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बताओ जिसके अंदर काफी आसानी हम पूरी फैमिली के साथ वहां पर ट्रांसफर हो सकें, या तो वहां पे कोई अच्छी जॉब मिल पाए, अच्छी सेटलमेंट प्लान हो, वहां पर पीआर मिल पाए, या तो हम अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल आसानी सेट हो पाए। और सबसे सेकेंड चीज यहाँ पे यह है कि उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं मैट्रिक किया हुआ हूँ तो क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ, किस बेस पे जा सकता हूँ, कौन सा इमिग्रेशन पायलट मेरे लिए अच्छा रहेगा, जब मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड, के सारे सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी कमाल का होने वाला है। वैसे देखा जाए तो इस वीडियो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी आप कनाडा या कोई भी ऐसे कंट्री के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप बड़ी सिटीज को ही टारगेट करते हो। आप सोचते हो कि यार किसी ऐसी सिटी में जाएं जो पहले से इतनी एस्टेब्लिश हो, दिखने में बहुत अच्छी हो, घूमने फिरने की जगहें काफी अच्छी हो। बट वहां पे मसला क्या होता है, वहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और साथ ही में जो आपको जॉब मिलती है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, और सैलरी भी लिमिटेड मिलती है, कुछ इतनी खास नहीं मिलती, और अगर खास मिलती भी है तो ज़्यादातर एक्सपेंस में ही चली जाती है, क्योंकि जब आप बिग सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पर आपके एक्सपेंसिस भी ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो नया प्रोग्राम निकला था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, जिसका नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए बेस्ट प्रोग्राम है जो कि मैट्रिक, समझ लो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, या तो उसके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इसके अलावा कोई जॉब नहीं है, उसके अलावा वो कुछ ज़्यादा सीखा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहता है या तो पीआर लेना चाहता है कनाडा का, तो इन सब के लिए ये एक बेस्ट इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जो कि आपकी सब चीज़ों में हेल्प कर सकता है। जिनको पीआर चाहिए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो अपनी वाइफ अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट प्रोग्राम है। दोस्तों, इसके अंदर तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम, उसके बाद सेकेंड नंबर पर है अटलांटिक इंटरमीडिएट प्रोग्राम, उसके बाद थर्ड पर है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये तीन कैटेगरी है। इन तीन कैटेगरी मतलब के ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल वालों के लिए है, इंटरमीडिएट मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जैसे कि इंटर वगैरह पढ़े हुए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत जॉब एक्सपीरियंस भी है और वो अच्छा पढ़ना लिखना भी थोड़ा सा जानते हैं, तो ये उनके लिए, और हाई स्किल्ड वो लो क्लास वालों के लिए। मतलब कि मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि अगर आप मैट्रिक पढ़े हो, ठीक है, आपके पास मैट्रिक के बाद आगे कोई डिग्री नहीं है, या आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करो। बट इसके अंदर आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसी स्किल्ड होनी चाहिए और उसके अंदर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हो, चाहे आप कुछ भी, मतलब एक स्किल्ड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्ड है और उसी का एक्सपीरियंस भी है आपकी कंट्री में ही आपके पास, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों कि आपको पीआर किस तरीके से इशू होगा, तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जॉब ऑफर हासिल करना है। अब यहाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार जॉब ऑफर इतनी आसान होती तो चाहिए क्या था, मिलती नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेलिंग वीडियो बनाई है, तो मैं ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाऊँगा। अगर आपको गहराई में जाना है तो मेरी पिछली दो वीडियोस हैं, पार्ट वन पार्ट टू, आप दोनों देख सकते हो। उसमें आपको कम्प्लीटली डिटेल्स के साथ और लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए मैंने कि आपको कौन सी वेबसाइट से क्या चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे कनाडा ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर वो सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास वैकेंसियाँ हैं, जिनके पास जो है वो जॉब्स हैं,
आपको करना कुछ भी नहीं है, उन वेबसाइट्स पे जाना है, जाने के बाद आपने उनके लिंक्स लेने हैं, ठीक है, मतलब उन कंपनीज के नाम लेने हैं, और बहुत सारी जॉब वेबसाइट है कनाडा की, वहां जाके उन जॉब्स पे अप्लाई करना है। अब दोस्तों देखो, आपको सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि आपको नहीं पता आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो उनके पास जॉब है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर सीन ऐसा है कि कनाडा ने ऑफिशियली ये लिस्ट लॉन्च की है जिनके अंदर वो एम्प्लॉयज़ के नाम है जिनके पास हज़ारों की तादाद में जॉब्स मौजूद हैं। तो आप बिल्कुल आसानी उन कंपनीज के पास अप्लाई कर सकते हो और इस 80% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल ही जाए। फ्रेंड्स, तो फिर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आगे आपने क्या करना है? अब आगे मैं आपको एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि ये जॉब आपको अब ढूंढनी कैसे, ठीक है। जाहिर सी बात है वो सारे एम्प्लॉयर्स के नाम तो आपको मिल जाएंगे, बट वो एम्प्लॉयर्स की और भी मतलब ब्रांचें हैं जो कि और भी कनाडा की सिटीज के अंदर हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सिटीज को टारगेट करना है, जिसमें से सबसे पहले है न्यू ब्रांसविक, उसके बाद है नोवा कोशिया, उसके बाद है प्रिंस एडवर्ड इसलैंड, उसके बाद है न्यूफाउंडलैंड और उसके बाद है लेबराडोर। ये 4 प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर आपको अप्लाई करना है और इन्हीं को टारगेट करना है और उन कंपनीज की जॉब आपको इन सिटीज में ही ढूंढनी है। इससे होता ये दोस्तों कि यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि ये गांव देहात है, कोई ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पे। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप वहाँ पे 3 साल तक रह लेते हो, ठीक है, तो आपको PR भी मिल सकता है और फिर आप अपनी फैमिली के साथ दूसरी बड़ी सिटीज़ के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हो। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, देन फिर अगर आप सोचते हो कि यार मुझे आगे का कुछ पता नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका एम्प्लॉयर ही आपकी मदद करेगा, आपकी सारी चीज़ें वही फुलफिल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस जॉब ऑफर दे दी तो उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जब आप वहाँ पे कनाडा पहुँच जाओगे, उनके पास जॉब पे चले जाओगे, तो वो आपकी PR लेने में भी मदद करेंगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर आप PR अप्लाई करते हो तो सिर्फ आपको PR नहीं मिलेगा, आपके साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे सबको PR इशू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा एजुकेशन नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें आपको IELTS भी चाहिए होगा, वो भी 4.0 का बैंड। दोस्तों अगर नॉर्मली भी अगर आप IELTS के पेपर देते हो तो 5.0 का बैंड तो आ ही जाता है या 4.5 का बैंड तो आ ही जाता है, बट यहाँ पर सबसे लो रिक्वायरमेंट है 4.0 की, जो कि हर कोई आसानी से ले सकता है। इसके अंदर आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, साथ ही में अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो इसी टॉपिक के मुताबिक, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सॉरी कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनको मैंने कल रिप्लाई नहीं दिया, उनको मैं आज सबको रिप्लाई कर दूंगा और फुर्सत से रात में बैठ के आप लोगों से बात भी करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।